કેમ છો બધા? મજામાં. ये सायरन तो आपने सुना, और वो इस सायरन को सुन बड़े बड़े गैंगस्टर लोग के पिछवाड़े से धुआं निकल जाता है. भाई लोग, आज तक अपन ने कई गैंगस्टर लोग भाऊ लोग के बारे में कहानियां सुनाई, बातें की, मगर आज वो इस गैंगस्टर लोग भाऊ लोग दादा लोग के बाप की कहानी सुनाएगा मैं. गैंगस्टर लोग के बाप बोले तो सुपर कॉप इंडियन पुलिस फोर्स. आपको क्या लगता है, पुलिस की नौकरी कोई आसान काम है? ना चाहते हुए भी करप्ट नेता लोग को सलाम ठोकना पड़ता है. अपने बच्चा लोग को छोड़कर रात को ड्यूटी पे जाना पड़ता है. जब भी वो किसी लड़की को बुरी नजर से देखने की कोशिश करेंगे, उनके मन में ये डर, ये ख्याल आना बहुत जरूरी है कि कुछ एड़े खाकी वर्दी वाले आएंगे और ठोक के चले जाएंगे. लोग त्योहार मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं. होली खत्म तो जन्माष्टमी, रमजान खत्म तो नवरात्रि, ईद खत्म तो दिवाली, लेकिन पुलिस वालों की ड्यूटी खत्म ही नहीं होती. बस खड़े रहो 24 घंटे. भाई लोग, जो भी हो, मगर आज ना अपनी इंडियन पुलिस फोर्स के लिए एक लाइक तो बनता है, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें. वीडियो आज उन टॉप 10 पुलिस वालों के रिकॉर्ड ब्रेक कांड अपन सुनाएगा जिसने छपरी लोग की वाट लगा के रख दी. आज से शहर में गुंडागिरी बंद, सिर्फ पुलिस गिरी चलेगी, सिर्फ पुलिस गिरी. माइंड इट. मुंबई अंडरवर्ल्ड से लेकर उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता लोग जिसका नाम सुन के बौखला जाते थे, इनमें से कोई है सिंघम तो कोई सिम्बा तो कोई चुलबुल पांडे. हर एक का अपना अपना स्टाइल था. 104 रिकॉर्ड ब्रेक एनकाउंटर जिसके खाते में ऐड है. ये मछली बहुत पकड़ ली, अब मगरमच्छ पकड़ने की बारी है. कानून को हाथ में लेने का हक सिर्फ कानून के हाथों को होता है. भाई लोग, आज का वीडियो ना पूरा देखना मांगता है. आईपीएस अमिताभ यस उत्तर प्रदेश एसटीएफ में आईजी है. उनके नाम अब तक 36 एनकाउंटर दर्ज है. इनका इतना भौकाल है कि जिस जिले में जाते वहां के पंडर लोग या तो वापस जेल चले जाते या जिला ही छोड़ देते. आईपीएस राजबीर सिंह, इनके खाते में 50 एनकाउंटर ऐड हुए हैं. एक समय था जब इनके नाम की तुट्टी बोलती थी. साल 2008 में गुड़गांव के एक प्रॉपर्टी डीलर ने इनको गोली मारकर हत्या कर दी. इनके बेटे रोहित यादव भी आईपीएस है. राजेश कुमार पांडे उत्तर प्रदेश बरेली रेंज के डीआईजी आईपीएस राजेश कुमार अक्खे अलीगढ़ में पंटर लोग के बाप थे. उन लोगों की वाट लगा के रख दी थी. 50 से ज्यादा छोटे मोटे छपरी लोग को ठोक दिया था. उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े क्रिमिनल श्री प्रकाश शुक्ला को ठोकने वाली टीम के मुख्य सदस्य थे. वहीं 4 बार वीरता पुरस्कार से नवाजा गया है. अनंत देव बोले तो कानपुर के अनंत देव ने 60 से अधिक एनकाउंटर कर डाले. चंबल में जहां डाकू लोग की तुत्ती बोलती थी, वहीं इन्हीं डाकू लोग के सीने में अनंत देव की तुत्ती बोलती थी. चंबल के खुंखार डाकू ददुआ को इन्होंने ही ठोका था. दीपक कुमार चित्रकूट रेंज के डीआईजी दीपक कुमार बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं. इनके नाम 56 एनकाउंटर दर्ज है. विजय सालस्कर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं. अपने सेवाकाल के दौरान 83 एनकाउंटर कर डाले. 26/11 आतंकी हमले में शहीद हो गए थे. अब आ रहे ला चुलबुल पांडे बोले तो प्रफुल भोसले. मुंबई अंडरवर्ल्ड का सफाया करने में इनका नाम हर हमेश लिया जाता है. छोटा शकील को ठोक दिए ला रिकॉर्ड ब्रेक कांड बोले तो 84 एनकाउंटर. ओ माय गॉड सिम्बा बोले तो दयान नायक एकदम इस घातक सुपर कॉप पुलिस वाला. अक्के महाराष्ट्र में दयानायक से बड़े बड़े चचा लोग यानी नेता लोग भी भिगी बिल्ली बन जाते थे. मगज से एकदम इस हाइपर. महाराष्ट्र की गंदगी बोले तो मुंबई अंडरवर्ल्ड को साफ करने में दयानायक ने बहुत ही काम किया ला. 80 एनकाउंटर इनके खाते में भी ऐड है. भाई लोग, दयानायक के जीवन पर कई फिल्म बन चुकी है. अब जिसकी बात करने जा रहे ना मैं, वहाँ रियल में सिंघम से भी 10 गुना खतरनाक था. दिमाग का एकदम इच खल्लास बोले तो प्रदीप शर्मा. 1990 से लेकर 2000 तक अखे अंडरवर्ल्ड में छोटा छपरी भी प्रदीप शर्मा के नाम से क्राइम की काली दुनिया से भाग जाता. अगर अखे अंडरवर्ल्ड की वाट लगाई हो तो वहाँ था प्रदीप शर्मा, जिसकी बदौलत आज मुंबई नगरी चैन की सांस ले रहे. 104 एनकाउंटर लगता है गैंगस्टरों से ज्यादा खतरनाक तो प्रदीप शर्मा था. भाई लोग, रियल में आप इंडियन पुलिस फोर्स को प्यार करते हो तो एक लाइक तो बनता है. चलो इस गुजराती भाई का राम राम, मिलते हैं फिर.